यूपी के हसनपुर के कुरेसी रात्रि के लोगों ने नगर पालिका में जमकर प्रदर्शन किया और मीट के लाइसेंस व कलेक्टर हाउस के बनने की बात रखी। कहा कि जल्द से जल्द मीट पर कलेक्टर हाउस खुलवाई जाए, क्योंकि मीट के दुकान बंद होने से मुस्लिम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जब से सरकार बनी है तभी से मुसलमानों को काफी परेशानी का सामना पड़ रहा है और किसी भी सरकार में ऐसी परेशानी नहीं आई जैसे योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने पर आई है। एक तरफ तो सरकार का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन सरकार का ये नारा गलत है क्योंकि ना कोई साथ है और ना ही कोई विकास, क्योंकि लोग मीट के लाइसेंसों को लेकर काफी लोग परेशान है। ना तो लाइसेंस ही बन रहा है और ना ही दुकान खुलने की सरकार द्वारा आदेश जारी हो रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएं? आखिर ये परेशानी हम लोगों को कब तक उठानी पड़ेगी? इसी बात से परेशान होकर सभी लोगों ने जमकर नगर पालिका चेयरमैन राकेश बंसल को अपना ज्ञापन भेजा। हसनपुर से एसएन के लिए चांद अंसारी की रिपोर्ट। ज्ञापन देने वाले हमारे हमारे हसनपुर के निवासी हैं, कुरैशी बिरादरी के लोग, उनका कारोबार प्रभावित है, इसलिए उनका ज्ञापन दिया है। लेकिन इसमें कुछ कानूनी पेचीदगियां है। हाईकोर्ट इलाहाबाद द्वारा लखनऊ पीठ द्वारा एक आदेश किया गया है 12/5/17, जिसमें सरकार को निर्देशित किया गया है कि 17/7/2017 तक सरकार अपना पक्ष रखे कि इनके कारोबार को चलाए जाने के लिए क्या क्या व्यवस्था की जा सकती है। और ये सरकार द्वारा बंद नहीं किए गए हैं, ये जो जल प्रदूषण बोर्ड है जिसके अंतर्गत ये जलवायु प्रदूषित ना हो उसके द्वारा बंद किए गए हैं। उनकी लगभग मेरे ख्याल से 27 शर्तें हैं। उन शर्तों को पूरा करने के बाद और सरकार के द्वारा जो अपनी जवाब दिया जाएगा, जो भी हाईकोर्ट का निर्णय होगा नगर पालिका को संबंधित बात होगी।